हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंट वाली दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले इंस्टेंट आइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा एक्सपेरिमेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं इंस्टेंट आइस। तो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें बस एक ही केमिकल का जरूरत है, जिसका नाम है सोडियम पॉलीएक्रिलेट। ये चीज आपको आसानी से ऑनलाइन मिल सकता है, या फिर मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिसे हम लोग कम दाम पे, सस्ते दाम पे आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं। तो चलिए आपको मैं सीधे एक्सपेरिमेंट पे ले चलता हूँ और बनाता हूँ अपना इंस्टेंट आइस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग एक ग्लास में थोड़ा सा सोडियम पॉलीएक्रिलेट ले लेंगे। हमें ज्यादा नहीं, बस एक से दो ढक्कन ही सोडियम पॉलीएक्रिलेट लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये देखने में कुछ कुछ चीनी के जैसा दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पे केमिकल रेडी हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसमें धीरे धीरे पानी डालना शुरू करेंगे। पानी डालने के बाद हम लोग उसे कुछ सेकंड के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। धीरे धीरे हमें खुद दिखने लगेगा कि ग्लास के अंदर बर्फ जमने लगा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पे ग्लास में बर्फ तो जम चुका है, लेकिन अगर आपको पानी कम लगे तो आप उसमें और भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल बर्फ के जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई बर्फ वर्फ नहीं है। ये बस सोडियम पॉलीएक्रिलेट है जो अपने अंदर ढेर सारा पानी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। तो चलिए अब इस चीज को बाहर निकालते हैं और अच्छे से देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये देखने में बिल्कुल बर्फ के जैसा दिख रहा है। आप इस चीज को डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर अपने स्कूल पे साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंस्टेंट स्नो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल स्नो के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल स्नो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बना हुआ है किस केमिकल से? सोडियम पॉलीएक्रिलेट से। अब मैं इस केमिकल का थोड़ा सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये केमिकल जो होता है, ये खुद के अंदर लगभग अपने वजन के हिसाब से 100 गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बस हम जैसे इसमें पानी डाले, वो फूल गया और स्नो के जैसा दिखने लगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी जस्ट प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा एक तरीका जिससे हम लोग सोडियम पॉलीएक्रिलेट को घर पे ला सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसके लिए बस हमें एक चाहिए बेबी डायपर। जो बेबी डायपर होता है उसके अंदर सोडियम पॉलीएक्रिलेट होता है, तभी वो जाके पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इसमें मिलेगा सोडियम पॉलीएक्रिलेट। तो सबसे पहले हम लोग बेबी डायपर को ये लेयर बाय लेयर करके हटाते जाएंगे, तो हम लोग को एक लेयर मिलेगा जिसमें हमें एक पैकेट टाइप का मिलेगा, जिसमें ढेर सारा ऊपर रुई लगा हुआ रहेगा और नीचे कुछ केमिकल रहेगा। उसके बाद हम लोग इस लेयर को बीच से फाड़ देंगे, और उसके बाद जब हम इसे धीरे धीरे करके खोलेंगे तो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे ढेर सारा सोडियम पॉलीएक्रिलेट चिपका हुआ है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सोडियम पॉलीएक्रिलेट इससे निकाल के रखा है। अब मैं इसके ऊपर जैसे पानी डालूंगा, ये सारा का सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और दिखने लगेगा स्नो के जैसा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही तेजी के साथ पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े हुए रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।